लंच के बाद एक ब्रेक दिया गया और उसके बाद फिर से सुनवाई चालू हुई और बहुत ही गंभीरता से जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने सारे पॉइंट्स को समझा है, नीट एग्ज़ाम को समझा है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसमें लीक हुआ है, कैसे यहाँ पर धांधली हुई है। और एक बात तो उन्होंने कर दिया है कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात, जो सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम है वो प्रभावित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने सीबीआई को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है कि अगर ये लीक हुआ है तो वास्तव में किस लेवल तक हुआ है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यदि ये बड़े लेवल पर हुआ है तो फिर अंतिम विकल्प जो है वो रीनीट हो सकता है, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्ड दिया है। साथ में उन्होंने एनटीए को भी लताड़ लगाई है। उन्होंने एक बात और बोला है कि ये जो 38 पिटीशन हैं इसकी एक नोडल काउंसिल बन जाए और कोई एक एडवोकेट ही इसको लीड करे और फाइनली जो है इस पर जाके तभी एक फाइनल जजमेंट आ सकता है। तो जो रीनीट है वो अंतिम विकल्प होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। बेहतर जो बच्चों के भविष्य के लिए हो सकता है हम उम्मीद करते हैं वही निर्णय आएगा। अच्छा, मुझे डायरेक्टली बोलना है, ये आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरा मैटर समझा है तो उस हिसाब से उनको भी समझ रहा है कि बहुत